रिसेप्टर फैमिलीज कितनी रिसेप्टर फैमिलीज थी आपके पास देर वर फोर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर फैमिलीज फर्स्ट वन वॉज गेटेड सेकेंड लाइगेंट लाइगेंट गेटेड आइन चैनल सेकेंड लिंक्ड रिसेप्टर थर्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फोर्थ रिसेप्टर आपका रिमेनिंग है दैट इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर अच्छा जी बी मेरे पास सेल है सेल के अंदर आई हैव दी रिसेप्टर ठीक है सेल के अंदर मेरे पास रिसेप्टर है अब मुझे बताओ लाइगेंट की नेचर कैसी होगी जिसने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है हाइड्रोफिलिक या फोबिक हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सोलिबल तो वो तो सेल के बाहर रह सकते हैं सेल के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं क्या लिपिड बाई लेयर को दैट मस्ट बी हाइड्रोफोबिक लिपिड सोल्यूबल लाइपोफिलिक ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और सेल के अंदर जाकर रिसेप्टर के साथ आपके बाइंड करे। भाई अब इस में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरा सेल्यूलर रिसेप्टर इंटरा विद इन दी सेल यू हैव द रिसेप्टर अब जी इस रिसेप्टर को असेस करने के लिए आपका जो लाइगेंट है दैट मस्ट बी लिपिड सोल्यूबल इसने आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है अब जब भी आपका लाइगेंट आपकी ड्रग जो कि लिपिड सोलिबल है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगी तब ही कहीं जाकर आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ठीक है लेकिन आपके लिपिन कॉट के अंदर मेंशन है कि एक्टिवेट कैसे होगा कि भाई सबसे पहले ड्रग ने जब आपके रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड किया आपके रिसेप्टर के साथ ऑलरेडी जो दूसरी प्रोटीन्स अटैच थी उसको डिसोसिएट कर दिया उसको अलग कर दिया अब आपका रिसेप्टर एक्टिव स्टेट में है रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी अब आपके रिसेप्टर ने सेल के अंदर ही कुछ टारगेट्स हैं जिनके साथ इंटरैक्ट करना है ठीक है आपके लिपन एन के अंदर मेंशन है वो टारगेट आपके हो सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ठीक है अच्छा विद इन द सेल्स आपको राइबोसोम से मिल रहे हैं जीन्स मिल रही हैं मिल रहे, है yeah. मिल रहे हैं ना आपको डिफरेंट एंजाइम्स मिल रहे हैं इट मीन्स आपका ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसी भी इंट्रा सेलुलर फैक्टर के साथ जाकर इंटरक्ट कर सकता है फिर अपना किसी ना किसी का किसी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म करेगा ठीक है सबसे पहले मैंने आपको कहा अकॉर्डिंग टू द लिप एंड आपके ड्रग ने रिसेप्टर तक का किया क्रॉस की लिपिड बाइलेयर है रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्ट किया रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए रिसेप्टर के साथ और रेडी जो अटैच प्रोटीनस थी उसको डिसोसिएट कर दिया अब आपका रिसेप्टर एक्टिव स्टेट में है अब आगे जाके भाई आपके रिसेप्टर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया इस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने आगे जाके किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ फॉर एग्जाम्पल जीन के साथ राइबोसोम्स के साथ एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करना है क्लियर yeah. अब बच्चों जब भी डिसोसिएशन होगी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने आगे जाकर इंटरैक्ट इंटरेक्ट कर लिया आपके जीन के साथ जीन के साथ जब इंटरेक्ट किया तो ज़ाहिर है जीन्स आपको कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक है, है? यानी कि अब ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू द लिपन कोट इट विल रेगुलेट दी जीन एक्सप्रेशन अब जीन एक्सप्रेशन क्या है जीन ने एक्सप्रेस करना है जीन ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जीन ने इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है ठीक है अब जी आपके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने रेगुलेट किया जीन एक्सप्रेशन को दिस इज आ एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है ठीक है दिस इज एन एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में इसने जीन के साथ इंटरेक्ट किया रेगुलेट किया जीन एक्सप्रेशन को जीन एक्सप्रेशन मींस जीन ने कुछ एक्सप्रेस करना है जीन ने क्या एक्सप्रेस करना है भाई जीन ने आपको इंफॉमेशन देनी है फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग दी सिंथेसिस फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन्स इस चीज़ को आपके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने रेगुलेट किया अच्छा भाई हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीन रेगुलेशन की जीन एक्सप्रेशन की ठीक है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शन मैंने बोला ना वर्ड इट विल कंट्रोल और इट विल एफेक्ट और इट विल रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए डी एन ए से आर एन ए के प्रोसेस तक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसलेशन भैया मेरा जो ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है दैट कैन एफेक्ट दी प्रोसेस ऑफ और रेगुलेट दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अब भाई मेरे इन इंट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स हैं इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्टिवेशन या रिस्पॉन्स टाइम कितना है सब रिसेप्टर फैमिलीज़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा है लाइगनिगेटेड का था इन मिली सेकेंड्स उसके बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का था सेकेंड्स टू मिनट्स था फिर एंजाइम लिंक्ड का था मिनट्स टू आवर्स लेकिन इंट्रा सेलुलर्स का है आवर्स टू डेज मैक्सिमम है ना ड्यूरेशन इनका ओके जी अब जी और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होंगे जिसे अफेक्ट कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं फिर भी लाइगेंट कौन कौन से हो सकते हैं मैंने कहा ना लिपिड नेचर के होंगे yes. एक एग्जाम्पल आपके पास है स्टीरोड हार्मोन्स आपको स्टीरोड्स मार्केट में भी मिलते हैं ना कॉटिको हैं मिनरेलो हैं वैसे भी सेक्स स्टीरॉइड्स हैं आपके पास जो वाइटामिन डी की नेचर है दैट इज़ आल्सो लिपिड सोलबल तो भाई ये वो सब हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे सेल के अंदर जाएंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आगे जाके पूरी प्रोसेस करेंगे ठीक है वाइटामिन डी वाइटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं हम कैल्सी, कैल्सी ट्रायल कैलसी ट्राइल गुड दैट इज़ एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी दैट इज बायो एक्टिव वाइटामिन डी बच्चों अच्छा और कौन कौन से टारगेट्स हैं आपके ये मैंने लाइगेंट से डिस्कस कर लिए अब डिफरेंट लाइगेंट्स के टारगेट कौन से हैं आपके सेल के अंदर दैट कैन बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट कैन बी एनजाइम दैट कैन बी आर एन ए दैट कैन बी ड्राइबोसोम्स ठीक है भाई अब जी एक एग्जाम्पल हम इसके लेकर चलते हैं ड्रग को हम लोग एक एंटी न्यो प्लास्टिक एजेंट एक एंटी कैंसर ड्रग की एग्जाम्पल देख लेते हैं दैट इज़ ए पैकली टेक्सल ठीक है मेरे पास पैक पैकली टेक्सल एंटी कैंसर ड्रग है दैट इज़ एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट अब इसका टारगेट क्या है कि इसने सेल के अंदर ट्यूब्यूलिन दैट इज़ अ प्रोटीन जिसने किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है माइक्रोट्यूल्स की फॉर्मेशन करनी है उसको इफेक्ट करना है बच्चों नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखो कि आपको पता है माइटोसिस के फेसेस कौन कौन से हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज मेटाफेज में क्या होता है अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं की ग्रोथ सेल की डिवीजन प्रोफेज में क्या होगा चल प्रोफेज को छोड़ो प्रेपरेशन हो गया मेटाफेज में क्या होगा क्रोमोसोम्स गुड कहां पर आ जाएंगे आपने कहा क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाएंगे एक सेंट्रल इमेजिनरी प्लेन में आ जाएंगे टोरियल प्लेन में आ जाएंगे ऐसे ही है अच्छा अब उसके बाद ये मेटाफेज आ गया अरेंजमेंट होगी एनाफेज में क्या होगा सेपरेशन होगी किसकी सेपरेशन होगी क्रोमाटेड्स Chromated. की किस से सेपरेट से होंगे Centrioles से सेपरेट से होंगे फिर दो डोटर सेल्स बन जाएंगे इस तरह से सेल डिवाइड कर गया आपको पता है कि जी कैंसर में क्या होता है जो आपके अब नॉर्मल सेल्स हैं रैपिडली रेप्लीकेट हैं अब मैं चाह रही हूँ ये रैपिड रेप्लीकेशन ना हो ओवर ग्रोथ ना हो तो इसके लिए जी मैंने अपने पेशेंट को ड्रग दे दी दैट इज दी पेकली टेक्सल अब जी पेकली टेक्सल ने क्या करना है मेरे ये जो ट्यूब्य ट्यूबलिन है इसको इफेक्ट करना है ट्यूबलिन बना रही थी माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऐसे ही है तो बच्चों क्या हुआ आपके लिपिन कॉट में आप जब हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अभी भी देखते हैं नॉर्मली क्या हो रहा था कि मेरे पास सेल था सेल मेटाफेज में गया उसके बाद एनाफेज़ में आया मेटाफेज़ में क्या था मेरी जो ट्यूब्यू ट्यूब्यूलिन थी जो प्रोटीन थी वो स्टैक कर रही थी और मिलकर माइक्रो ट्यूब्यूल्स बना रही थी जिसने जी अब आगे जा कर सारी प्रोसेस करनी थी मेरे पास पैकली टेक्सल ने क्या किया ये जो मेरी ट्यूबुल थी इसको देखो इसको क्या किया इसको अपनी फंक्शनिंग से रोका कि तुमने माइक्रो ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन ठीक से नहीं होने देंगे अच्छा अब इसमें इसने क्या किया कि मेरी पैक्रीटेक्सिल ने स्टेबल ट्यूबलिन मॉलिक्यूल्स के स्टैक बना दिए ठीक है मेरे पास स्टैक्स ऐसे थे जो मूव कर रहे थे ठीक है जब स्टेबल स्टैक्स बना दिए यानि कि अब इसने फेल करा दिया डीपोलराइजेशन को इसने कहा डी मैंने डी पोलिमराइजेशन नहीं होने देनी इट इट मीन्स पॉलीमराइजेशन करवा दी मेरे पास पैकली टेक्सल आई मेरे पास ट्यूबलिन थी ट्यूबेलिन के स्टैक्स को इसने क्या कर दिया स्टेबल करवा दिया पॉलीमराइजेशन करवा दी प्रिवेंट कर दिया डी पॉलीमराइजेशन को अब मेरे पास ये ओवर स्टेबल ट्यूबेलिन के स्टैक्स बन गए हैं जिन्होंने मूवमेंट नहीं करवानी मेरे क्रोमेटिड्स को सेपरेट नहीं होने देना डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे सेल ग्रोथ नहीं होगी इस तरीके से मैंने कह दिया कि जी मेरे पास ये एक एंटी न्यो एजेंट है बेसिकली मेरे ट्यूबेल्स को क्या कर दिया स्टेबलाइज करवा दिया प्रोमोट करवाया पोलीमराइजेशन को स्टेबल पोलीमर्स बन गए स्टेबल पोलीमर्स बन गए मेरी माइक्रो जो मेरे माइक्रो ट्यूब्यूल्स थे वो अक्यूमुलेट कर गए एक पोजिशन पर विद इन द सेल ओवर स्टेबल माइक्रो ट्यूब्यूल्स बन गए किसी किस्म की क्रोमोसोम्स की डिसग्रीगेशन नहीं होगी सेग्रीगेशन होते हैं, अलग होना ऐसे ही था ना कि मेरे पास एक क्रोमेटिड्स थे वो अलग अलग जा रहे थे दोनों पोल्स में अलग अलग जा रहे थे अब जब भी मेरे क्रोमोट मैंने कहा वर्ड यूज़ किया मेरे लिपन एंड कॉट के अंदर क्रोमोसोम्स की डी सेग्रीगेशन नहीं होगी सेग होंगे डोटर सेल्स नहीं बनेंगे इस तरह से जी मेरे पास एक मोड ऑफ एक्शन आ गया पैकली टेक्सल का सेम मोड ऑफ एक्शन आपके पास ड्रग है दैट इज दी डोसी टेक्सल डीओ सी टी एक्सलोसी टेक्सल में पूछती हूँ वट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दी डोसी टेक्सल तो कैसे क्या बताओगे ट्यूबल इन को ओवर स्टेबल कर देता है पोलिमराइजेशन करवा देता है ठीक है डिसग्रीगेशन नहीं करवाता नहीं करवाता ठीक है ये एक एग्जाम्पल आ गई मेरे पास एग्जाम्पल yes, की जिसके अंदर मेरी जो ड्रग है विद इन दिस सेल जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है बच्चों दूसरी तरफ मेरे पास एग्जाम्पल है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ठीक है उस एजेंट का नाम है दैट इज द अब उस एजेंट का नाम है ट्राए मैथोप्रिम ट्राए मैथोप्रिम मेरे पास ड्रग है ट्राए मैथोप्रिम ने क्या किया अच्छा अब आपको ना साइड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है ठीक है ये बॉक्स सल सल्फोनामाइट के चैप्टर्स है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें दिखाया गया है कि जी मेरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट ने ट्राई ने क्या करना है मेरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन no. ना हो अच्छा इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और्गनि दूसरे में है ह्यूम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ठीक है जी अब जी मैंने बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट करनी है बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया कहाँ पे मौजूद है मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है मेरे पास ड्रग है ट्राई मेथोप्रीम ट्राई ने बैक्टीरियल इंजाइम्स के साथ क्या किया उसको इनहिबिट करवा दिया वो बैक्टीरियल इंजाइम कौन सा था दैट वाज अ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस जिसका अब्रिवेट करते हैं डी एच एफ आर से रिडक्टेस रिडक टेस्ट ने क्या करवानी है रिड्यूस करवाना है ड्राई हाइड्रोफोलिक एसिड को इन टू टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड अल्टीमेटली टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड ने क्या करवाना है सिंथेसिस करवानी है अमीनो एसिड्स की प्यूरस की और थामिडीन की ठीक है तो जब मेरी ड्रग ने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया क्या ये तीन प्रोडक्ट्स बनेंगी क्या फिर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो इस तरह से ये मेरे पास माइक्रोबियल एजेंट है देन मेरे पास एक और एंटीबायोटिक है दैट इज रिद्रोमाइसिन ठीक है अब रिद्रोमाइसिन का विद इन द सेल टारगेट कौन सा है दैट इज दिफ्टी एस यूनिट ठीक है मेरा लाइगेंट इज रिद्रोमाइसिन मेरे लाइगेंट का टारगेट क्या है दैट इज़ फिफ्टी एस यूनिट आपको पता है चाहे मैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स की बात करूं या ह्यूमन राइबोसोम्स की बात करूं, दो सब यूनिट्स होते हैं मेरे बैक्टीरिया में जो दो सब यूनिट्स नज़र आ रहे हैं दैट इज़ फिफ्टी एस एंड दी थर्टी एस मेरे रिद्रोमाइसी ने टारगेट किया बैक्टीरिया के फिफ्टी एस को और अब डायग्राम में देखो प्रोटीन सिंथेसिस के कौन से स्टेप को ब्लॉक करवाया ट्रांस लोकेशन, ट्रांस लोकेशन ट्रांस लोकेशन ऐसे लगता है लोकेट कर रहा है मूव कर रहा है ट्रांस लोकेशन में क्या होगा मेरा मैसेंजर आ रए नूव करेगा थ्रू दी राइबोसोम्स इस मूवमेंट को मेरी ड्रग क्या करेगी इनहिबिट कर देगी ठीक है ये इंट्रासेलुलर इफेक्ट आ गया ना बच्चों जब आप लोग बुक बुक ओपन करोगे तो आपको लेफ्ट साइड पर एक डायग्राम नजर आ रही है कि इसके अंदर ब्लू कलर का मेरा लाइगेंट है लाइगेंट ने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की लिपिड बाई लेर क्रॉस की और ग्रीन कलर के रिसेप्टर के साथ जाकर इंटरेक्ट कर दिया ठीक है अब आगे जाके कौन कौन से सेलुलर इफेक्ट्स आ रहे हैं प्रोटीन की फॉस्फोरेशन हो रही है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रही है दूसरी तरफ भी एक और आपके बुक में लिपन कॉर्ट में ऑथर ने डायग्राम दे दी उसमें दिखाया कि जी मेरे पास ड्रग है ड्रग सेल मैं क्रॉस की रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट की रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आई ड्रग रिसेप्टर मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन गया ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब देखो मेरा कहां पर मूव कर रहा है जीन कहां पर लोकेटेड है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में गया और जाके इसने इंटरैक्ट किया जीन के साथ और अब क्या होगा जो के अब भी मेरे जीन ने क्या करना था ट्रांसक्रिप्शन करनी थी ट्रांसलोकेशन करनी थी अकॉर्डिंग टू द ड्रग मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस इफेक्ट होगा क्लियर अफेक्ट होगा ओके जी ये मेरे पास बच्चों मैंने एग्जाम्पल्स देख ली आपके लिपन कॉड से अब जब मैं कैडजन की बुक खोलूँ कैडजन की बुक में सेम रिसेप्टर को आपके ऑथर ने डिस्क्राइब किया है बाई यूजिंग अ लाइगेंट लाइगेंट है ग्लूकोकॉटिकॉयड कौन सा है ग्लूकोकॉटिकोड क्या ये कॉटिको स्टीरोड है स्टीरॉइड हॉर्मून है मेरे पास ग्लूकोकॉटिकॉइड्स जो स्टीरॉइड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं क्या ये वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं दो आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ठीक है बच्चों अब हो क्या रहा था अब को जब आप कैडजन का ये टेक्स्ट पढ़ोगे टेक्स्ट थोड़ा सा समझने वाला है पढ़ के पढ़ के मुझे बताना आपको क्या समझ आ रही है इसमें लिखा है कि मेरे पास हार्मोन है हार्मोन जाके मेरे रिसेप्टर के साथ जिसकी प्रोटीन नेचर है उसके साथ जाकर बाइंड किया अब क्या हुआ इस लिखा है रिलीव रिलीव रिलीव्स रिलीव 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 एन इनहिबिटरी कंस्ट्रेंट

मेरे पास बच्चों इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर था जिसको ऊपर जाके ग्लूकोकॉर्टिक ने अटैच करना था जब तक मेरे पास ग्लूकोकॉर्टिक ने अटैच नहीं किया मेरा रिसेप्टर जो मेरे सेल के ऊपर मौजूद सेल के अंदर मौजूद था उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी किसी एक फैक्टर ने उसको ब्लॉक किया हुआ था जिसकी वजह से मेरे इस रिसेप्टर की कुछ दो डोमेन्स थी जो के ब्लॉक थी जिसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आ रही थी वो फैक्टर जिसने मेरे रिसेप्टर को ब्लॉक किया था दैट इज एच एस पी नाइन्टी दैट इज हीट शॉक प्रोटीन नाइन्टी ये आपके फिजियो में था एच एस पी नाइनटी पढ़ा था किसी को याद है हीट शॉक प्रोटीन्स पढ़ी थी ना मेरी हीट शॉक प्रोटीन्स ने बेसिकली मेरे इस रिसेप्टर को ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इसको ब्लॉक करके रखा हुआ था अब हुआ क्या मेरा जब लाइगेंट आया लाइगेंट ने आके क्या करना था मेरे रिसेप्टर के साथ अटैच करना था अब मेरे मेरे लाइगेंट की अटैचमेंट से पहले मेरे रिसेप्टर की स्टेट क्या थी मेरे रिसेप्टर के साथ मेरी हीट शॉक प्रोटीन अटैच थी जैसे ही मेरा रिसेप्टर आया लाइगेंट आया जैसे कि स्टीरोड आया स्टीरॉयड ने आके मेरे रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग की जब बाइंडिंग की हीट शॉक प्रोटीन रिलीज होगी हीट शॉक शॉक प्रोटीन अब मेरे रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं है अच्छा अब जी जब तक तो मेरे पास हीट शॉक प्रोटीन अटैच थी मेरे रिसेप्टर के ऊपर जो दो डुमेंज थी स्ट्रक्चरल डोमेन्स थी उनकी फोल्डिंग नहीं हो रही थी जैसे ही मेरा लाइगेंट मेरा स्टीरोड आकर अटैच किया मेरे रिसेप्टर की दो डोमेन्स की फोल्डिंग होना शुरू होगी उन दोनों डोमेन्स का नाम क्या था डी एन ए बाइंडिंग डोमेन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन ठीक है ये चीज आपके कैडजन के अंदर मैंशन है क्लियर है yeah. अब जी डी एन ए बाइंडिंग डोमेन एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन्स की नॉर्मल फोल्डिंग होगी कंफर्मेशनल चेंजेस होगी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया ठीक है सो so बच्चों ये थे आपके चार रिसेप्टर की फैमिलीज जो कि कंप्लीट हो गई ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे अपने डोज रिस्पॉन्स